चार धाम जाते हैं यात्रा करने के लिए, मेरे चारों धाम यहीं पे हैं, तो उन्हीं का दर्शन करने आए हैं। कहीं नहीं, बेटों को भी सीख लेना चाहिए इससे। रोहिणी आचार्य वो नाम है जो आजकल हर किसी की जुबान पर छाया हुआ है। लालू प्रसाद यादव को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य को आखिर कौन नहीं जानता। अपने पिता को नई जिंदगी देने वाली लालू प्रसाद यादव को नई जिंदगी देने वाली रोहिणी आचार्य को सारे लोग जानते हैं। आपको बता दें, आज लालू प्रसाद यादव का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में उनकी पूरी फैमिली बहुत ही खुश है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है। पूरे बिहार के लोग बहुत ही खुश है, प्रसन्नता की लहर है पूरे बिहार में। पूरे भव्य तरीके से लालू प्रसाद यादव का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। लोग खुश हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयां बांट रहे हैं। आपको बता दें चले, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर से आई हुई हैं अपने फादर का जन्मदिन मनाने के लिए, सबसे पहले हम आपको बता दें एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए क्या कुछ कहा रोहिणी आचार्य ने, पहले आप सुने। तो सुना आपने, रोहिणी आचार्य साफ तौर पर कह रही हैं कि जो स्वर्ग है, जो हमारे माँ बाप है, वही हमारे लिए चारों धाम है, वही हमारे लिए सब कुछ है। आपको बता दें चले, लड़कियां लड़कों से ज्यादा अपने माँ बाप की केयर करती हैं, अपने माँ बाप के बारे में सोचती हैं, तभी तो सिंगापुर से यहाँ आई हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो माँ बाप है वो हमारे लिए स्वर्ग है और चारों धाम हमारा यहीं पे है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। लोग चार धाम जाते हैं यात्रा करने के लिए, मेरे चारों धाम यहीं पे हैं, तो उन्हीं का दर्शन करने आए हैं। आपने उन्हें किडनी दी, पूरे बिहार में चर्चा है, आपको लगता है कि बिहार की बेटियों को भी इससे सीख लेना चाहिए? बेटियों को ही नहीं, बेटों को भी सीख लेना चाहिए इससे। लालू प्रसाद जी, मैं आपको लगता है कि उतना अभी दम है, क्योंकि अब विपक्षी एकता की बात हो रही है कि यहाँ सबको एकजुट करेंगे? अब तो विपक्ष लोग कह रहे हैं कि वो कमजोर हो गए। कैसे कमजोर हो गए? वो कमजोर नहीं, अभी भी लालू जी का नाम किसी की भी जुबान से हटा सकते हैं लोग। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।